नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होता है? जब भी एक से ज़्यादा पर्सन जो है वो बिजनेस साथ में मिलके करते हैं, दैट इज़ नोन एज पार्टनरशिप। जैसे कि एग्जांपल ले लें, ए बी और सी, ये तीन जो है वो साथ मिलके बिजनेस कर रहे हैं, तो दो पार्टनर्स का एग्जांपल ले लेते हैं। ए और बी जो है वो साथ में बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया, टोटल कैपिटल जो है इंट्रोड्यूस किया है 150,000 का, 150,000 का उन्होंने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, तो दोनों ने मिलके 150,000 लाया है। लेकिन इंडिविजुअल कैपिटल होगा कुछ, सपोज ए ने लाया है 1,00,000 रुपीस और बी ने लाया है 50,000 रुपीस, तो ये जो कैपिटल उन्होंने लाया है, ये जो है, मैंने इस टू का साइन इसीलिए डाला है ताकि ये रेशियो फॉर्म कर सके। रेशियो क्यों काम आएगा? क्योंकि मैं जितना कैपिटल जो है हमारे बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, मुझे कंपैरेटिवली प्रॉफिट भी सामने उतना परसेंट या उतना रेशियो ही मिलेगा। सपोज ये जो रेशियो है वो हो गया 2:1, 2:1 कैसे, 50,000 1s and 50,000 2s 1 है, तो ये हो गया हमारा कैपिटल रेशियो। ठीक है, ये कैपिटल रेशियो हो गया। एट द एंड ऑफ ईयर अगर हम लोग देखें तो यहां पर साल खत्म होने पर टोटल प्रॉफिट जो है वो मुझे कुछ मिल रहा है 75,000 रुपीज। ये प्रॉफिट हमें ए और बी में इस तरीके से डिवाइड करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है कि उन्होंने जितना कैपिटल लाया उसके हिसाब से उन्हें प्रॉफिट भी मिले। तो हिसाब जो है वो कैसे मिलेगा, यानी कि रेशियो से हमें ये डिस्ट्रीब्यूशन भी पता चलेगा। मतलब 75,000 टोटल हमारा प्रॉफिट है, उसे मैं दोनों में किस तरीके से डिवाइड करूँगी, 2:1 के रेशियो से। डिवाइड कैसे करते हैं, तो 2+1/3 हो जाएगा और इनटू, अगर ए का ले रहे हैं हम लोग तो यहाँ पर रेशियो जो है वो भी ए का होगा, एंड इन केस बी का प्रॉफिट फाइंड कर रहे हैं तो 75,000/3 विल बी कांस्टेंट और यहाँ पर हो जाएगा इनटू 1, क्योंकि बी का रेशियो क्या है, 1। ये हो गया बेसिक रेशियो या बेसिक पार्टनरशिप। यहाँ पर एक और चीज़ हम लोग इंट्रोड्यूस कर देते हैं, टेन्योर। जैसे कि ए ने बिजनेस में 1,00,000 रुपीज़ डाले हैं ना, वो कभी तो फ्रॉम 1 जनवरी से उसने बिजनेस स्टार्ट किया और 1,00,000 रुपीज़ उसने तभी ही डाल दिए। वेरेज बी जो है वो बिजनेस में कभी आया, तो आफ्टर 6 मंथ्स, दैट इज 1 जुलाई। तो अगर मैं ये 2:1 के रेशियो में प्रॉफिट सारा डिवाइड कर दूं, तो ए को कंपैरेटिवली कम प्रॉफिट जाएगा, क्योंकि उसने जो 1,00,000 रुपीज़ अपने बिजनेस में डाले हुए हैं, बी से कंपेयर करें तो 6 मंथ्स पहले से उसके पैसे जो है वो हमारे बिजनेस में ऑलरेडी है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब भी रेशियो कैलकुलेट करेंगे हम लोग, अब तक सिर्फ रेशियो में अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वॉल्व था, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो मंथ्स हैं वो भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो रेशियो कैसे मिलेगा हमें, 1,00,000 × 12 months। बी ने 50,000 जो है वो कितने टाइम के लिए हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं, तो जुलाई से लेके दिसंबर, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर, फॉर 6 मंथ्स। तो यहाँ पर हम लोगों ने रेशियो में क्या देखा, रेशियो फाइंड करने के लिए जितना इम्पोर्टेंट कैपिटल का पार्ट है उतना ही टेन्योर भी है। तो हमारा रेशियो फॉर्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज 3 lakhs, 50,000 × 6 months is 3 lakhs। तो हमारा रेशियो जो है वो क्या हो जाएगा, 3 1s and 3 4s। तो कैपिटल का रेशियो इज 4:1, इसने 4 times अपने जो पैसे है वो हमारे फर्म को ज़्यादा दिए हैं कंपेयर टू बी। तो प्रॉफिट 75,000 जो हम लोग ने सिनेरियो लिया था, प्रॉफिट 75,000 वो
डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से होगा, 4:1 के रेशियो में। पहले ए का प्रॉफिट ले ले हम लोग, तो 75,000 डिवाइड बाय 4+1 5 × 4, एंड बी का हो जाएगा 75,000 डिवाइड बाय 5 × 1। ये है हमारा ओवरऑल सिनेरियो। एक्सरसाइज 1.2 जो है वो इसी चीज़ों पर डिपेंड करती है कि हमें रेशियो फाइंड करना है। रेशियो अगर सही आ रहा है अपना, और रेशियो में मंथ्स जहाँ जहाँ कैलकुलेट करने हैं वो हम लोगों ने प्रॉपरली डाला हुआ है, तो हमारा आंसर जो है वो रॉन्ग नहीं होगा। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 सेकेंड सम। फर्स्ट सम जो है वो भी सेम है क्वेश्चन नंबर सेकंड के तरीके से, बस हमें चेंज क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर वन में, तो यहाँ पर जो टोटल लॉस दिया है उसके जगह पर टोटल प्रॉफिट रहेगा क्वेश्चन नंबर वन में। तो आपको अगर सॉल्व करना है तो सिमिलर तरीके से या ये सम रेफर करके भी वो सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर टू क्या दिया है, रघु, मधु और रामू ये लोग एक पार्टनरशिप बिजनेस में इंगेज थे। तीनों का कैपिटल जो था वो था 60,000, 40,000 एंड 75,000। अगर एट द एंड ऑफ ईयर टोटल लॉस जो है 24,500 है, तो हर एक पार्टनर को कितना लॉस बेयर करना है वो हमें फाइंड करना है। लॉस बेयर करने के लिए या तो पर पर्सन लॉस कितना है वो चेक करने के लिए सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, तो कैपिटल रेशियो। कैपिटल रेशियो, कैपिटल रेशियो फाइंड कैसे करेंगे, तो 60,000 × 40,000 × 75,000। 60, 40 और 75,000 का रेशियो अगर हमें निकालना है तो किस तरीके से, तो सबसे पहले यहाँ पर जो कॉमन जीरोज है वो हटा दीजिए। ये हम लोग ओरली कर सकते हैं, इसीलिए यही मेथड प्रेफर करिए ताकि आपको एग्जाम्स में ज़्यादा टाइम नहीं लगे। तीनों जीरोज हम लोगों ने हटा दिए तो हमारे पास नया नंबर बच गया 60, 40 और 75। तीनों अगर हम लोग चेक करें तो 5 के टेबल में तीनों नंबर जो है वो आएंगे, 5 × 12 = 60, यहाँ पर 5 × 8 = 40 और 5 × 15 = 75। तो ये हमें रेशियो मिल गया। क्रॉस वेरीफाई करना है तो कर सकते हैं हम लोग, 60 / 5 यहाँ पर होगा, 40 / 5 एंड नेक्स्ट वुड बी 75 / 5। ये हो गया हमारा कैपिटल रेशियो, कि कैपिटल जो है वो इस रेशियो में तीनों पार्टनर्स ने लाया हुआ था। अब फाइंड करेंगे लॉस पर पार्टनर। पार्टनर कौन है, सबसे पहले इज रघु। रघु का लॉस फाइंड करने के लिए 24,000 टोटल लॉस, सॉरी 24,500 टोटल लॉस अपॉन रेशियो। हमेशा फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, तो प्रोपोर्शन फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो रेशियो है तीनों को ऐड करके जो नंबर आएगा वो हमेशा डिवीजन में जाना है, उसके बाद ही हम लोग पर पर्सन जो भी उनका पार्ट है वो फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर है 20 + 8 = 20 + 15 = 35 × 12। 12 क्यों, क्योंकि रघु ने 12 कैपिटल लाया था ऑफ टोटल 35। अगर ये डिवाइड करें हम लोग, अगर ये पहले डिवाइड करके रख देते हैं फर्स्ट पार्टनर के टाइम पर ही, तो हमारा कैलकुलेशन जो है वो थोड़ा सा शॉर्ट डाउन हो जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 × 7 = 20, 9 × 0। तो नेक्स्ट हमारा ये आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, 7 × 1 = 7 and 7 × 700 = 4900। दिस वुड बी 700 × 12, 7 × 12 = 84 and 0s।
तो हमें क्या मिला, रघु को कितना लॉस बेयर करना है, 8,400। सिमिलरली मधु क्या आ जाएगा, वापस वही 24,500 डिवाइड बाय 35 इंटू 8। 8 क्यों, क्योंकि रघु ने 8 कैपिटल लाया था ऑफ टोटल 35। इसका आंसर तो हमें पता है, 700 आया था ऊपर जो सॉल्व किया था, 700 इंटू 8 तो 5,600 रुपीस। एंड लास्ट है राम इज इक्वल्स टू 24,500 डिवाइड बाय 35 इंटू 15, ये हो जाएगा 700 इंटू 15 सेवन साइज 105 डबल ज़ीरो, तो ये हो गया 10,500 रुपीस। देयरफोर और हेंस द लॉस फॉर ईच पार्टनर्स, या तो फिर फॉर रघु, मधु एंड रामू इज रुपीज 8,400, 5,600 एंड रुपीज 10,500 रिस्पेक्टिवली। आपको ये स्टेटमेंट सारे आंसर्स में लिखना है ताकि आपको मार्क्स कटने के लिए एग्जामिनर को कहीं पर भी जगह नहीं दे। साथ ही साथ ये जो हम लोगों ने आंसर्स फाइंड किए हैं उसे बॉक्स कर दे ताकि जब भी आपका सॉल्यूशन देखे तो राइट आंसर जो है वो हाईलाइट हो, तो पूरा मेथड कोई चेक नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 10। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तीन पार्टनर्स ए बी सी, जिसमें से ए का कैपिटल इज 65,000, सी का कैपिटल इज 50,000। टोटल प्रॉफिट दिया है 38,000, जिसमें से बी का प्रॉफिट शेयर है, बी का शेयर लिखे या तो फिर बी पी एस आर लिखे, पी एस आर मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बी का शेयर जो है वो है 15,000। ये सारी चीज़ों में से हमें फाइंड क्या करना है, बी का कैपिटल, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क डाल दे, बी का कैपिटल फाइंड करना है। सबसे पहले वापस हमें क्या करना है, कैपिटल रेशियो फाइंड करना है। यहाँ पर कैपिटल रेशियो फाइंड कैसे करेंगे, कैपिटल रेशियो फाइंड करना पॉसिबल कब होगा, जब बी का भी कैपिटल होगा हमारे पास, यहाँ पर नहीं है तो हम लोग अज्यूम क्या करेंगे, लेट बी इज कैपिटल बी एक्स, मतलब हमारे पास तीनों के कैपिटल यानी कि कैपिटल रेशियो क्या हो जाएगा, 65,000 इज टू एक्स इज टू 50,000, ये हो गया हमारा रेशियो। सेकेंड पार्ट, हमारे पास टोटल प्रॉफिट दिया है और बी का प्रॉफिट दिया है, एज हमें पता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, या तो फिर बोलेंगे पी एस आर। पी एस आर में हमें क्या चाहिए, एक तो टोटल कैपिटल, टोटल जो रेशियो होता है वो, फिर कैपिटल ऑफ पर्टिकुलर पार्टनर और टोटल प्रॉफिट और उसमें पर्टिकुलर पार्टनर का शेयर। यहाँ पर हमारे पास क्या है, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कैपिटल अपॉन टोटल कैपिटल इनटू टोटल प्रॉफिट। इसी तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सॉल्व किया था, लॉस लिया था डिवाइड बाय टोटल रेशियो इनटू पार्टनर का कैपिटल रेशियो, तो ये जो है वो फॉर्मूला है वो हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर ले। तो क्या होगा, प्रॉफिट दिया है, कैपिटल दिया है, यहाँ पर हमारे पास प्रॉफिट क्या है 15,000, कैपिटल एक्स है, टोटल कैपिटल
तीनों को ऐड करेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने फाइंड नहीं किया टोटल कैपिटल, टोटल कैपिटल इज इक्वल्स टू, ये तीनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 65 प्लस 50 115 प्लस x, तो टोटल कैपिटल हमारे पास क्या हो गया 115 प्लस x, और टोटल प्रॉफिट दिया है 38,000। चार चीज़ों में से, चार रिक्वायरमेंट थी उसमें से तीन दी है, मतलब x जो है वो इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन का सिनेरियो, हमें फाइंड क्या करना है, x फाइंड करना है, इक्वल्स टू के एक साइड जो है वो x रखेंगे और बाकी सारे जो नंबर्स है वो इक्वल्स टू के नेक्स्ट साइड भेज देंगे। 15,000 इज इक्वल्स टू x अपॉन 1,15,000 प्लस x इनटू टोटल प्रॉफिट है हमारा 38,000 यहाँ पर है और 15,000 इक्वल्स टू के दूसरे साइड है, तो हमें ये जो है वो मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दे तो यहाँ पर 000 जो है और ये 38,000 के 000 डायरेक्टली कट होंगे, उसका लॉजिक क्या होगा, तो 15,000 डिवाइड बाय 1,000 करूँ तो RHS भी मुझे डिवाइड बाय 1,000 करना है, तो दोनों 1,000 में से 000 जो है वो हट गए, इसीलिए हमारे पास नेक्स्ट स्टेप के लिए नंबर्स क्या बच गए, तो 15 इज इक्वल्स टू x अपॉन 1,15,000 प्लस x इंटू 38 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है, इसीलिए हो जाएगा 38x। ये जो है नंबर डिनोमिनेटर का पार्ट हम लोग ले लेंगे इक्वल्स टू के नेक्स्ट साइड, तो हो जाएगा मल्टीप्लाई 15 इंटू 1,15,000 प्लस x इज इक्वल्स टू 38x। अगर ब्रैकेट ओपन करना है तो मुझे ये 15 जो है वो क्या करना है, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म दोनों से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लीकेशन 115 इंटू 15 प्लस 7 हो जाएगा 22, 15 प्लस 2 17, और यहाँ पर 000 है तो यहाँ पर भी आगे हम लोग 3 जीरोज लगा देंगे, तो हमारा ये आंसर क्या हो जाएगा 17,25,000 प्लस x इंटू 15x इज इक्वल्स टू 38x। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये जो 15 यहाँ पर है इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड, उसे राइट हैंड साइड भेज देंगे तो हो जाएगा 17,25,000 प्लस इक्वल्स टू 38x माइनस 15x, 38 माइनस 15 हो जाएगा 23, दैट विल बी इक्वल्स टू 23x, 23x इज इक्वल्स टू 17,25,000। मल्टीप्लीकेशन है तो डिविजन हो जाएगा, दिस विल बी 17,25,000 डिवाइड बाई 23 इन इज इक्वल्स टू x। भी यहाँ पर हम लोग डिवीजन जो है वो देखें तो 23 जो है वो किसी का भी मल्टीपल नहीं है, मतलब ट्राई क्या करना है हमें, ये 23 के टेबल में 17,25 आता है कि नहीं वो चेक करेंगे। सबसे पहले मल्टीप्लाई बाय 5 क्यूब, 3 5 विल बी 15। रफ वर्क कर लेते हैं, 23 को मैं यहाँ पर तीन पॉसिबिलिटीज से मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे ताकि आंसर जो है वो नियरेस्ट मिले। सबसे पहला इज इनटू 5, इंटू 5 क्यों, क्योंकि 5 3 विल बी 15 और यहाँ पर यूनिट्स प्लेस अगर हम लोग चेक करें जीरो को हटा के तो वो है 5, तो 5 3 15 कैरी 1 और 5 2 10, तो ये हो गया 115 विल बी आंसर से थोड़ा सा कम, तो हम लोग सेकेंड ऑप्शन क्या लेते हैं 23 इंटू 7.5 क्यों, क्योंकि अगर हम लोग 23 इंटू 10 भी करने जाए यहाँ पर तो ये जो हमारा नंबर है उससे ज़्यादा आंसर आ जाएगा, इसीलिए सेकंड ऑप्शन रहेगा हमारा 7.5 या तो 75 कर दे, 5 3 जा
15 और वापस ये 115 आ गया। 7 3 21, 7 2 14 एंड यहाँ पर 15 16। तो ये आंसर क्या आ गया, 5 2 7 पर आ गया 17 25, यहाँ पर भी 17 25। तो हमारा आंसर यहाँ पर, और मुझे 2 3 जीरोस चाहिए तो मुझे यहाँ पर चेंजेस करने पड़ेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, 23 1 यहाँ पर हमारा आंसर क्या आया था, 75 23 करने पर 17 25 आया, इसीलिए डायरेक्टली 75 और 3 जीरोस। हेंस एक्स का वैल्यू क्या मिल गया हमें, 75,000 रुपीस। और हमें फाइंड क्या करना था यहाँ पर, तो कैपिटल जो एक्स कंसिडर किया था वो, देयरफॉर कैपिटल ऑफ बी इज रुपीज 75,000। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 10। क्वेश्चन जो है वो क्या दिया हुआ है, बिजनेस में दो पार्टनर्स थे अमित और रोहित, जिन्होंने 20,000 रुपीज कैपिटल जो है वो इंट्रोड्यूस किया था एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर। 3 महीने के बाद अमित ने क्या किया, 5,000 जो है वो विड्रॉ कर लिया उसके कैपिटल में से, और सेम अमाउंट रोहित ने इन्वेस्ट की है वही 3 मंथ्स के बाद। अगर टोटल प्रॉफिट है 12,800, तो मुझे अमित और रोहित का प्रॉफिट शेयर जो है वो फाइंड करना है फ्रॉम टोटल 12,800। एज हमें पता है कि जब भी हम लोग ये सम स्टार्ट करें तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमें कैपिटल रेशियो फाइंड करना है। सबसे पहला विल फाइंड कैपिटल रेशियो। कैपिटल रेशियो इज इक्वल्स टू कैपिटल फॉर मंथ। कल हम लोगों ने सिनेरियो देखा था जिसमें हम लोग कैपिटल कैलकुलेट करते टाइम क्या करते थे, मंथ्स या तो फिर जितने टाइम के लिए पर्टिकुलर कैपिटल इन्वेस्टेड है वो भी ख्याल रखते थे। यहाँ पर कैपिटल जो है वो हम लोग दो तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं, या तो कैपिटल रेशियो जो है वो दो अलग अलग फाइंड करने के लिए ट्राई करेंगे। सबसे पहले इस 20,000 इंटू 3 मंथ्स इज टू, वापस 20,000 इंटू 3 मंथ्स। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग के जो 3 मंथ्स थे वो कैपिटल दोनों के लिए सेम था। नेक्स्ट 3 मंथ्स में क्या हो गया, अमित ने 20 में से 5 विड्रॉ कर दिया, तो हमारे पास कितना बच गया, 15,000। एंड कितने मंथ्स के लिए उसने 15,000 को कंटिन्यू रखा, तो टोटल 12 में से 3 मंथ्स लेस करेंगे, दैट इज 9 मंथ्स। और यहाँ पर वही 20,000 से हम लोग 5,000 को और जोड़ देंगे इनटू 9। तो अगर हमें इन ऑल अमित इज टू रोहित का कैपिटल रेशियो फाइंड करना है तो क्या करना होगा, इसे दोनों को ऐड करना है। यहाँ पर हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1। और यहाँ पर रेशियो जो है वो फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, या तो फिर ओवरऑल हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों अमाउंट्स जो है विथ मंथ्स उसे ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 60,000 प्लस अमित के साथ अमित का रेशियो जोड़ेंगे, प्लस 15,000 135,000। ये हो गया अमित का पार्ट। फिर आते हैं रोहित के रेशियो पर, तो रेशियो क्या हो जाएगा, वापस 60,000 प्लस 25 into 9, 2,25,000। ऐड करेंगे 60 + 135 = 195 = 60 + 225 = 285। ऐसे हमें पता है रेशियो को हमें शॉर्ट डाउन करना है, तो सबसे पहले ये 3 जीरोस जो है वो हटा देंगे, फिर दोनों नंबर्स जो है वो 5 से डिविजिबल है, दिस वुड बी 195/285। 5 3 15 एंड 9 35,
यहाँ पर 5 5 ज़ा 25 एंड 7 ज़ा 35। ये हो जाएगा 39:57। सर ये हमें मिल गया कैपिटल रेशियो फॉर अमित एंड रोहित। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल रेशियो जो है उसी के रेशियो में ये जो प्रॉफिट का अमाउंट है वो डिवाइड होगा। हमने फॉर्मूला भी पढ़ा हुआ है प्रॉफिट का, PSR इज इक्वल्स टू क्या होता है, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल कैपिटल इनटू कैपिटल पर हेड। टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल कैपिटल, या तो फिर कैपिटल रेशियो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि रेशियो का टोटल लिखेंगे इसलिए, इनटू पार्टनर्स कैपिटल। ये है हमारा फॉर्मूला PSR ऑफ ए अमित। इज इक्वल्स टू 12,800 डिवाइड बाई ये दोनों का टोटल। इसका टोटल क्या हो जाएगा, 39 + 57 इज इक्वल्स टू 40 + 56 = 96। टोटल प्रॉफिट है हमारा 12,800 अपॉन 96 इंटू अमित का कैपिटल रेशियो इज 39। तो इस तरीके से हम लोग इसे डालेंगे। कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो इसे रिड्यूस करेंगे, दोनों भी नंबर्स जो है वो डिविजिबल बाय 4 है। यहाँ पर 4 2 ज़ा 8 एंड 4 ज़ा 16, यहाँ पर 4 3 ज़ा 32 00। वापस अगर फर्दर कैलकुलेशन करें, ये दोनों डिविजिबल बाय 4 है, वापस 6 ज़ा एंड 800। तो ये हमारा नंबर जो है वो शॉर्ट डाउन होके आ गया, 800 इंटू 39 डिवाइड बाय 6। देखें तो ये दोनों 3 से डिविजिबल होंगे, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 × 13, और यहाँ पर 2 1 ज़ा 2 400। सर तो हमारा फाइनल आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, 400 × 13 दैट इज 52। ये हो गया अमित्स प्रॉफिट सेम हम लोग क्या करेंगे, रोहित के लिए फाइंड करेंगे। रोहित्स प्रॉफिट इज इक्वल्स टू वापस वही ले लेंगे, अगर हमें चाहिए तो हम लोग ये 800 और 6 से लेते हैं या तो फिर 400 और 3 से लेंगे। डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं, 800 डिवाइड बाय 6 इनटू यहाँ पर क्या है 57। थ्री टू ज़ा सिक्स एंड 3 × 90, और वापस ये हो गया हमारा 400। दिस इज 76 7,600 रुपीज फॉर रोहित। अगर हमें 7,600 और 5,200 को ऐड कर देंगे तो वापस हमारा टोटल प्रॉफिट जो है वो आ जाएगा। हेंस प्रॉफिट ऑफ अमित एंड रोहित इज ₹5,200 and 7,600 respectively। हम लोगों ने अभी देखा वो था question number 5। question number 5 जो है वो सॉल्व करना अगर आपको आ गया तो आप उसे रेफर करके इलस्ट्रेशन question number 4 जो है वो सॉल्व कर सकते हो। ये है question number 7। question number 7 और 6 जो है वो रिजेंबल करते हैं, दोनों आपस में रेफर करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं।
तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या दिया है? तीन पार्टनर्स थे, रमेश विवेक और सुनील। तीनों का कैपिटल रेशियो दिया हुआ है 4:5:6। आफ्टर 3 मंथ्स विवेक ने क्या किया, ये जो कैपिटल था ना उसका उसने हटा दिया 3 मंथ्स के बाद। फिर 6 महीने के बाद सुनील ने अपना कैपिटल जो है वो हटा दिया, और रमेश का जो टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ ईयर है वो था 6,400। हमें फाइंड करना है बाकी दो पार्टनर्स का प्रॉफिट। इसका सिनेरियो क्या है, तो हम लोग पहले कैपिटल रेशियो फाइंड करेंगे एज इट इज़, जो यहाँ पर 12 मंथ्स, 9 मंथ्स और 6 मंथ्स के हिसाब से दिया है वो। उसके बाद कैपिटल रेशियो मिलने के बाद क्या करेंगे, PSR का फॉर्मूला जो है वो डालेंगे। तो यहाँ से मुझे मिलेगा टोटल प्रॉफिट, और टोटल प्रॉफिट मिलने के बाद उसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बाकी के दो पार्टनर्स में। वापस सम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, तो कैपिटल रेशियो से। ये कैपिटल रेशियो जो है उन्होंने क्या बोला है कि इनिशियल कैपिटल रेशियो था, हमें एट द एंड ऑफ ईयर का कैपिटल रेशियो चाहिए। कैपिटल रेशियो रमेश ने कितने मंथ्स के लिए इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, 12 मंथ्स, क्योंकि उसने अभी तक उसका कैपिटल विड्रॉ नहीं किया। विवेक ने कितने मंथ्स के लिए इन्वेस्टमेंट किया था, सिर्फ 3 मंथ्स के लिए। 3 मंथ्स के बाद उसने पूरा अपना जो कैपिटल है वो हटा दिया है, मतलब 5:3। और यहाँ पर सुनील ने कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट किया था, तो सिर्फ 6 मंथ्स के लिए, तो 6:6। यहाँ पर अगर देखने जाए हम लोग तो एक कॉमन मल्टीपल है, दैट इज 3। तो अगर हटाना है तो डायरेक्टली ये 3 हटा सकते हैं, 3 1s, 3 4s, and 3 2s। अगर यहाँ पर नहीं हटाना तो हम लोग क्या करेंगे, उसका ऑल्टरनेटिव क्या हो जाएगा, तो ये पहले सॉल्व कर ले, 48:50:36। फिर ये तीनों को डिवाइड बाय 3 कर देंगे, तो अपना आंसर तो है वो यही आएगा। तो बेटर हम लोग इनिशियली रिड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पर क्या किया हम लोगों ने, 3 को हटा दिया, ये 3 जो है वो कैंसिल, 3 2s are 6 and 3 4s are 12। तो हमारा रेशियो क्या आ जाएगा, कैपिटल रेशियो 16:5:6। सॉरी 12, 6:2। ये है हमारा कैपिटल रेशियो। इसके बाद क्या करेंगे, टोटल कैपिटल फाइंड करेंगे, मतलब टोटल कैपिटल रेशियो। तीनों को ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, 33। 16 प्लस 16 कर देते हैं, यहाँ से 4 लेके जाएंगे तो 32 हो जाएगा, प्लस 1 विल बी 33। नेक्स्ट फाइंड करेंगे टोटल प्रॉफिट। टू फाइंड टोटल प्रॉफिट, ठीक है, टोटल प्रॉफिट फाइंड करने के लिए हम लोगों को क्या करना है, सिंपली PSR का फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करना है। PSR इज इक्वल्स टू, मतलब प्रॉफिट पर पार्टनर है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट अपॉन टोटल कैपिटल इनटू कैपिटल ऑफ अ पार्टनर, पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर रमेश का प्रॉफिट दिया है 6,400। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे रमेश's प्रॉफिट, इज इक्वल्स टू, टोटल प्रॉफिट नहीं है इसीलिए एक्स कंसिडर करते हैं, अपॉन टोटल कैपिटल है हमारा 33, इनटू पार्टनर्स कैपिटल। रमेश का कैपिटल कितना है यहाँ पर, तो 16।
ये हो गया हमारा रेशियो। इसके बाद क्या करेंगे, हमारे पास रमेश का जो प्रॉफिट है वो ऑलरेडी दिया हुआ है 6400, तो अगर हम इसे इक्वल्स टू के नेक्स्ट साइड लेके आए तो क्या हो जाएगा, 6400 रुपीस इंटू 33 डिवाइड बाई 16 इज इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट। यहाँ पर है, अगर 33 डिवाइड में है तो नेक्स्ट स्टेप में उसे मल्टीप्लाई कर देंगे और 16 जो है वो डिवाइड कर देंगे। उसके बाद 16 का मल्टीपल इज 64, 16 वन ज़ा एंड 16 फोर ज़ा, एंड लास्ट है हमारा 33 के टेबल में 33 इंटू 4, 3 फोर ज़ा 12, 3 फोर ज़ा 12 प्लस 1 132, तो हमारा टोटल प्रॉफिट जो है प्रॉफिट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 13,200। ये हमारा टोटल प्रॉफिट। सिंपली अभी इसी टोटल प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे, दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, दोनों पार्टनर हैंस विवेक और सुनील। विवेक प्रॉफिट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, विवेक प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट 13,200 डिवाइड बाय 33 इनटू विवेक का कैपिटल इज 5, तो इनटू 5 कर देंगे। हमने अभी अभी देखा 33 वन ज़ा एंड 33 फोर ज़ा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2,000 रुपीज़। हम लोगों ने यहीं पे सॉल्व किया है तो उसी को कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे, वापस सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। वन ज़ा एंड दिस विल बी 400, 400 इंटू 5 2,000। नेक्स्ट क्या लेंगे हम लोग, सुनील्स प्रॉफिट इज इक्वल्स टू वापस वही 13,200 अपॉन 33 इंटू सुनील का कैपिटल है 12, इंटू 12 कर देंगे, वापस सेम ले लेंगे 33 वन ज़ा 33 इंटू 400, 400 इंटू 12 विल बी 4,800। हेंस प्रॉफिट ऑफ विवेक एंड सुनील इज रुपीज 2,000 एंड रुपीज 4,800 रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर 11। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नटराजन और गोपालन दो पार्टनर्स हैं, उनका इनिशियल कैपिटल रेशियो दिया हुआ है 4:5, मतलब अगर नटराजन 4 रुपीज़ लाता है कैपिटल तो गोपालन ने लाया हुआ है 5 रुपीज़। प्रॉफिट रेशियो है 5:4। इन्वेस्टमेंट जो गोपालन ने किया है वो है 16 मंथ्स का, तो मुझे फाइंड करना है कि नटराजन ने कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट जो है वो किया हुआ है। वापस सेम कंसेप्ट है, सबसे पहले कैपिटल रेशियो ही फाइंड होगा। कैपिटल रेशियो फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या है, एक तो कैपिटल का अमाउंट अज्यूम कर लेते हैं 4 रुपीज इज टू 5 रुपीज है हमारे पास एग्जिस्टिंग, तो इसके साथ साथ हम लोगों को मंथ्स भी डालने हैं, तो लेट इन्वेस्टमेंट ऑफ नटराजन बी फॉर एक्स मंथ्स, मतलब हम लोगों ने नटराजन का इन्वेस्टमेंट अज्यूम कर लिया है कि एक्स मंथ्स के लिए है, देयरफॉर कैपिटल रेशियो इज इक्वल्स टू मंथ्स और कैपिटल
मतलब 4 into x is to 5 into 16 16 कहाँ से हम लोगों को यहाँ पर दिया हुआ है 16 months। कैपिटल रेशियो आ जाएगा हमारा 4x is to 80। अभी 4x is to 80 हम लोगों ने आगे के सम्स में देखा हुआ है कि कैपिटल रेशियो इज ऑलवेज इक्वल्स टू PSR। मतलब जो रेशियो में हम लोग कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कैपिटल लाते हैं, वही रेशियो में प्रॉफिट भी शेयर करेंगे। इसीलिए तो हम लोग PSR फाइंड करने के लिए पहले क्या करते थे, प्रॉफिट फाइंड कैपिटल रेशियो फाइंड करते थे। तो यहाँ पर हमें वही चीज़ अप्लाई करनी है, कैपिटल रेशियो रेशियो इज इक्वल्स टू PSR। तो हमारे पास PSR भी है और कैपिटल रेशियो भी है। 4x upon 80 is equals to 5/4। फ्रॉम क्वेश्चन एंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन देना है तो ठीक है, वरना ये बॉक्स हमेशा करने की हैबिट रखनी है आपको। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या तो फिर x को एक साइड रहने देते, बाकी सब दूसरे साइड चले जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 5/4 जो दिया हुआ है, 80 डिवीजन में है तो उसे मल्टीप्लिकेशन में डाल देंगे, और यहाँ पर 4 जो है x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो उसे डिवीजन में डाल देंगे, और लेफ्ट हैंड साइड क्या बच जाएगा हमारे पास x। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 5/4 into 80/4। पता है हमें 4 ones are 4 20s are 4 ones are and 4 5s are। x is equals to 5 into 5, hence x is equals to 25 months. Therefore, investment of Natarajan is for 25 months। अगर इसे हमें क्रॉस वेरीफाई करना है तो वो भी पॉसिबल है। हमने यहाँ पर जो किया हुआ था, तो कैपिटल रेशियो जो नॉर्मली फाइंड करते हैं 4 into 25 months is to 80, 5 into 16 months। अगर इसे हम लोग डिविजन फॉर्म में डालें, इसका रेशियो बनाना है 5 into 16, इसका रेशियो बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये 4 को हटा देंगे और यहाँ पर आ जाएगा 4, और ये 5 को हटा देंगे और यहाँ पर आ जाएगा 5। हेंस रेशियो विल बी 5/4 जो हमारा PSR भी है यहाँ पर, इसीलिए ये क्रॉस वेरीफाई कर दिया और आंसर इज अब 25 months। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोगों ने देखा। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 9, वो सेम है सॉल्व एग्जाम्पल 9 के तरीके से, तो आप उसे रेफ़र कर सकते हो। और क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करने के लिए आप रेफ़र करना है क्वेश्चन नंबर 7। तो ये हम लोगों का चैप्टर ख़त्म हुआ। अगर इसके अलावा आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें, तो हम आपको उसके लिए वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।